आज पंजाब केसरी आपको वृंदावन जो वैष्णव कुंभ है उसके दौरान आस्था का ऐसे अनोखे संगम पर लेकर आए हैं जिसका लोहा जो है बड़े बड़े महापुरुषों ने भी बांधा है। हम बात कर रहे हैं, देखिए वृंदावन में हम यहाँ पर देवरिया बाबा के समाधि स्थल पर बैठे हैं, वहाँ समाधि स्थल पर भी ले जाएंगे और क्या कुछ महिमा है देवरिया बाबा की। श्रद्धालुओं का ये जमावड़ा आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं का अनवरत आगमन जारी होता है। लोग अपनी पीड़ाएं लेकर यहाँ पर आते हैं और अपने दुखों का निवारण जो है यहाँ पर करते हैं। और क्या कुछ महिमा है देवरिया बाबा की और क्यों उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, क्यों उनकी महिमा जो है ना केवल ब्रज क्षेत्र में भारत में बल्कि विश्व में भी से जानते हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। जी महाराज जी, मैं सबसे पहले परिचय, हमारे दर्शक आपसे देश विदेश से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ परिचय देने के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप देवरिया बाबा की भी महिमा बताएं। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ब्रह्मऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा सरकार, जिनको पूरी दुनिया एजलेस संत मतलब जिनकी उम्र की कोई सीमा नहीं है, जिनकी उम्र कोई नहीं जानता है, इस नाम से जानते हैं कि देवराहा बाबा भारतवर्ष के कई सौ सालों तक रहने वाले अष्टांग योग सिद्ध संत हुए। आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये जगह उनकी समाधि है। बाबा ने 19 जून 1990 में इसी जगह में अपनी जो पंचतत्व का शरीर है उसको समाधिस्थ किया। ये जगह उनकी तपस्थली है, सिद्ध स्थली है। यहाँ हजारों लोग आते हैं और अपनी मनोकामना बाबा की मचान की परिक्रमा करके पूरी करते हैं। बाबा के बारे में अनंत अनंत ऐसी घटनाएं हैं, लीलाएं हैं, जो साधारण मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार होता है। उनमें से कुछ महाराज जी बताइए हमारे दर्शकों को ताकि वो भी देवरिया बाबा की महिमा से रूबरू हो सके। अब जैसे यही वृंदावन की घटना बताते हैं हम आपको। 1989 में यहाँ बहुत विशाल बाढ़ आया, 13 दिन तक बाढ़ रहा वो और बाबा की मचान तक पानी पहुँच गया। उस समय बाबा इस जगह से कहीं हिले नहीं, जमुना जी सारी जमीन काट दी, बाबा की मचान की 3 बल्लियाँ हिलती रहीं। हम लोगों ने, उस समय गृह मंत्री थे बूटा सिंह जी, यहाँ के DM सब ने प्रार्थना किया कि बाबा आप किनारे की तरफ मचान बनवा लीजिए और वहाँ स्थापित हो जाइए। बाबा ने कहा, अरे बच्चा तुम लोग भयभीत हो, डरते हो, ये माँ है, कभी भी ऋषियों का नुकसान नहीं करती है। और वो बाढ़ 13 दिन तक तो बहुत ऊंची लेवल में पानी रही, पूरी 2.5 महीने तक वैसे ही लटका रहा, लेकिन यमुना जी ने आगे कोई कटाव नहीं किया। उसके अलावा बाबा की ऐसी कई चमत्कार हैं, जैसे एक बार बाबा के एक परम प्रिय भक्त आए दर्शन करने, उन्होंने वृंदावन में बड़े बड़े कछुए देखे तो वो डर गए। उन्होंने बोला, बाबा इतना गहरे पानी में स्नान करने जाते हैं, ये कछुए कहीं बाबा के ऊपर अटैक ना कर दें, हमला ना बोल दें, क्योंकि ये मांसाहारी हैं। उस समय बाबा ने बोला, बच्चा ये सब हमारे परम भक्त हैं, जैसे तुम मेरा हित चाहते हो ऐसे ही ये मेरा हित चाहते हैं। तो बोले, बाबा पर हिंसक जीव तो हिंसक ही होता है। बाबा ने कहा, अरे बच्चा देख, अभी मैं तुम्हें इनकी भक्ति दिखाता हूँ। बाबा ने हमसे बोला, बच्चा आटे का गोला ले आओ। मैंने आटे का गोला लिया और बाबा को पकड़ाया। बाबा ने हाथ में पकड़ के बोले, बच्चा जल में डाल दो और कछुओं को बोलो आ जाओ। बोला, हमने जल में डाल दिया और बोला,
कछुआ एक रामदास नाम रखा था बाबा ने, रामदास, श्यामदास, हरिदास, बड़े बड़े कछुए, वो कम से कम डेढ़ डेढ़ क्विंटल के कछुए होंगे। मैंने बोला कि रामदास, श्यामदास, हरिदास आ जाओ, बाबा ने बुलाया है। 2 मिनट के अंदर इतने कछुए बाहर आके निकल के खड़े हो गए कि गिनती नहीं की जा सकती। तो ये सब कहते हैं ना कि सिद्ध महापुरुषों के और प्रकृति का एक बहुत बड़ा ही संबंध होता है, और प्रकृति भी उनके अनुसार और ये भी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो सिद्ध महापुरुष की लीलाएं अद्भुत होती हैं। महाराज जी, जैसा कि हमने यहाँ सुना कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने देवरिया बाबा का आशीर्वाद दिया, इंदिरा गांधी जी यहाँ पर बहुत आती थी, तो किस तरह से, और कहा जाता था कि बाबा जो है जैसे मचान पर रहते थे यमुना जल के बीच में, और यदि किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसको फलीभूत होने से कोई नहीं रोक सकता, कितना ये जो हम कथाएं सुन रहे हैं इनमें सच्चाई है? मैं बचपन से जब से बाबा के पास रहा हूँ, 20-25 बार तो मैंने इंदिरा गांधी जी को देखा होगा आते हुए, राजीव गांधी जी को देखा, संजय गांधी जी को देखा, जगजीवन राम जी, बूटा सिंह जी, तमाम, अब मैं नारायण दत्त तिवारी जी, जगन्नाथ मिश्रा और बहुत सारे। यहाँ एक बार की घटना है, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी, तो वो दर्शन करने आए, हेलीकॉप्टर लेके आ गए, उतरने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे ही ज़मीन पे ही हेलीकॉप्टर उतार दिया और दर्शन करने आ गए। तो बाबा के दर्शन में नरेंद्र मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हर 2-4 महीने में जब तक बाबा का दर्शन न करें उनको चैन ही नहीं पड़ता था, घंटों घंटों बाबा से बात करते थे। तो अभी तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, कोविंद जी ने भी बाबा के दर्शन किए हुए हैं, सभी ने बाबा के दर्शन किए हैं और सबने दर्शन का लाभ और आशीर्वाद लिया है। बाबा जी मचान पे रहते थे और बाबा कभी भी किसी मनुष्य को स्पर्श नहीं करते थे, परंतु बहुत आग्रह करने पे बाबा ऊपर से चरण सभी के सिर पे रखते थे। एक बार की घटना है, बाबू जगजीवन राम जी, उन्होंने बाबा से बोला कि गुरुदेव, हम लोग राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, इसमें बहुत सी हमारी भूल चूक होता है, त्रुटि होता है, गलती होता है, इसमें हम ऐसा समझते हैं कि जितना हम अच्छा काम करते हैं उससे कई गुना खराब काम भी होता है, कि कई लोग आते हैं मिलने के लिए, वो चाहते हैं कि हमको, हम उनको ये लाभ दे दें, वो लाभ दे दें, वास्तव उनका हक है लेकिन हम लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं, तो इसमें हमें दोष लगेगा, इस दोष का निवारण कैसे होगा? बाबा ने कहा, बच्चा, इसका निवारण राम नाम जप करने से हो जाएगा, खूब ईश्वर का चिंतन करो, जनता की सेवा करो। बाबा जी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि बाबा देवरिया बाबा ने समाधि ले ली है, अब भी कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो उनका उनके होने का प्रमाण मिलता है? बाबा के चमत्कार का प्रमाण यह है कि बाबा कई बार यहाँ पे बाबा भक्तों को चलते फिरते भी दिखाई देते हैं, और यहाँ आपने देखा होगा इतनी भीड़ आती है, इतने मनोकामना लेके लोग आते हैं और उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं, क्योंकि बाबा ने समाधि लेने से पहले ये वचन दिया कि बच्चा, जो भी हमारे को स्मरण करेगा, जो भी हमारे दरबार में आएगा, उसकी इच्छा पूरी करेंगे हम, तुम सिर्फ उनको सहयोग करना। तो वृथा ना जाहि देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी व्यर्थ नहीं जाता, वो सत्य है, यथार्थ है, और यहाँ पे कंटिन्यू उसका आनंद सभी भक्त लोग ले रहे हैं।
देखिए देवरिया बाबा बेशक जो है पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, समाधि यहाँ पर ले ली है, लेकिन आज भी उनके चमत्कार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और चाहे बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ हो, समाज सेवी हो, हर आम से खास व्यक्ति बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आता है। और वृंदावन के महाकुंभ के पास ये देवरिया बाबा का समाधि स्थान है। कैमरे की नजर से मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है बाबा की समाधि है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से बाबा ने यहाँ पर समाधि ली हुई है। ये इधर का आप एरिया देखेंगे, देखिए ब्रज भूमि जो है संतों की, महात्माओं की भूमि कही जाती है। और जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कि जो तप है कभी खाली नहीं जाता है, और इसी तप का नतीजा है कि देवरिया बाबा जिसको आशीर्वाद दे देते थे वो व्यक्ति फलीभूत हो जाता था। बाबा आप यहीं क्यों, हाँ वृंदावन कितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बहुत दयालु आते हैं। जी। और देखिए हम बाधा नहीं बनेंगे, आपको वो मचान दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर यमुना का जल होता था जब बाबा ने समाधि नहीं ली थी। और इस मचान पर देवरिया बाबा जो यहाँ तप करते थे, जमीन पर नहीं उतरते थे और इसी मचान पर वो रहते थे। और यहीं से चाहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या फिर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, तमाम महापुरुषों को यहीं से आशीर्वाद दिया है। आज भी श्रद्धालुओं का मानना है, श्रद्धालुओं का अटल विश्वास है कि यहाँ पर देवरिया बाबा बेशक समाधि में लीन हो गए हैं, लेकिन आज भी उनका आशीर्वाद यहाँ श्रद्धालुओं पर बना हुआ है। लोग दूर दूर से आते हैं और मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। तो आप भी यदि वृंदावन आए तो देवरिया बाबा के समाधि स्थल पर जरूर आए और अपने मन में जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करवाएं। वृंदावन से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।